पटना प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य की राजधानी। पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आज के समय ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 में लगभग 17 लाख की जनसंख्या के साथ ये शहर भारत के सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों की लिस्ट में 19वें नंबर पर आता था। आज के समय पटना की जनसंख्या बढ़कर 2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इतिहास की तरफ देखें तो ये नगर 490 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से हर्यंका साम्राज्य की राजधानी के रूप में उदाई भद्र ने बसाया था। इस नगर को बनाने के लिए इसके संस्थापक ने अपने पिता की हत्या करके इस साम्राज्य को छीना था। ये महानगर करीब 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र तल से 174 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। पटना अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिमाग में छपा हुआ है। पूरे बिहार के विद्यार्थी पटना में पढ़कर सरकारी बाबू बनने का ख्वाब रखते हैं। इसी वजह से पटना में 83.37% लोग पढ़े लिखे हैं। पटना को बिहार राज्य का सबसे शिक्षित नगर कहा जा सकता है। अच्छे शिक्षित लोगों में जागरूकता होने के कारण यहाँ का लिंगानुपात भी 1000 पुरुषों पर 980 महिलाओं के साथ अच्छे पायदान पर है। बिहार की यात्रा करते समय अगर आपको सड़क पर BR01 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं तो समझ जाइए आप पटना महानगर में प्रवेश कर चुके हैं। पटना के नॉर्थ में हाजीपुर है जो महात्मा गांधी सेतु से पटना से जुड़ा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े रोड ब्रिजों में गिना जाता है। पटना की आर्थिक गतिविधियां पश्चिमी हिस्से में ज्यादा हैं, जिस वजह से पटना महानगर दानापुर से मिल गया है। बिहार के दूसरे इलाकों के मुकाबले पटना में गर्मी ज्यादा होती है। महानगर होने के कारण ये नगर कंक्रीट फॉरेस्ट बना हुआ है, जिस वजह से पूरा शहर गर्मी झेलने को मजबूर है। इसके अलावा पटना गंगा, सोन और पुनपुन नदी से घिरा है। उत्तर में हाजीपुर के पास बहने वाली गंडक नदी भी गंगा में आकर यही मिल जाती है। आसपास इतना पानी और गर्मी होने की वजह से इस नगर में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं पटना में मौजूद कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। गोलघर। ये गोलघर साल 1770 में इस इलाके में भयंकर अकाल के बाद अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ये गोलघर इमारत अपनी खास आकृति के लिए पॉपुलर है। 1786 में जॉन गार्स्टिन ने इस गोलाघर को बनवाया था। उसके बाद से गोलघर पटना शहर का प्रतीक चिन्ह बन गया। दूसरे नंबर पर है गांधी म्यूजियम। ये म्यूजियम बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के पास मौजूद है। महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी चीजों का नायाब संग्रह इस जगह पर देखने को मिलता है। तीसरा है तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी। पटना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली माना जाता है। बताया जाता है कि गोविंद सिंह जी ने अपने बचपन के कुछ वर्ष इसी शहर में बिताए थे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का पालना लोहे के 4 तीर, तलवार और हुक्मनामा गुरुद्वारे में रखा गया है। यह स्थल सिखों के लिए देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।